जियो भारत की एक जानी मानी कंपनियों में से एक है जो कई बार अपने नए नए प्लान से अपने यूजर्स के दिल को लुभा चुका है और अब एक बार फिर देखने को मिलेगा जियो का कुछ ऐसा ही नया प्लान, जहां जियो जल्द ही कर सकता है अपने जियो 5G फोन को भारत में लॉन्च। जहां पिछले साल ही कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन गूगल और क्वालकॉम बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर किया था भारत में लॉन्च। अब एक बार फिर बारी है 5G फोन की, जिस पर अभी कंपनी का काम चल रहा है, पर कब तक हो सकता है यह काम और उसका लॉन्च की जानकारी अभी नहीं दी गई है, पर इस पर कंपनी द्वारा अपने 5G नेटवर्क लॉन्च की जानकारी दी। और यदि रिपोर्ट्स की माने तो जियो 5G फोन इस साल के अंत तक हो सकता है लॉन्च, जिसकी कीमत 10 से 12 हजार रुपए तक की भी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जियो ने यूजर्स को इस फोन पर EMI से खरीदने का मौका भी दिया, और ऐसा एक बार पहले भी उनके 4G स्मार्टफोन पर भी ऐसी ही कई ऑफर्स देखने को मिले थे, जिसके साथ यह फोन भारत में 4,499 रुपए पर लोग खरीद सकते थे। पर इसके बावजूद भी 4G फोन, जिसको जियो फोन नेक्स्ट से भी बोला गया था, उसके ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो इस बार 5G फोन के साथ क्या होगा, पर अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। जिसके बाद फोन के बारे में आई जितनी खबरों को मुताबिक देखें तो फोन के बारे में अभी तक आई जितनी भी खबरें उनके मुताबिक देखा जाए तो फोन 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD स्क्रीन के साथ मिल सकता है, जिसमें से 1600x720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली होगी। इसके साथ ही फोन में स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर भी मौजूद हो सकता है, जिसमें 4GB रैम समेत 32GB स्टोरेज मिलने की आशंका भी जताई जा रही है। हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप होकर मेन लेंस 13 मेगापिक्सल का होगा, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी सभी बड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज साइट पर। धन्यवाद।